नमस्कार। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही टीम इंडिया देश वापस लौटकर एशिया कप के लिए यूएई रवाना होगी और उसके बाद उसे अपने देश में वेस्टइंडीज की मेजबानी करनी है। इससे पहले बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर कैरेबियाई टीम भारत में 2 टेस्ट 5 वनडे और 3 टी20 मुकाबले खेलेगी। भारत की धरती पर वेस्टइंडीज टीम का दौरा 4 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा। दौरे का आगाज टेस्ट सीरीज से होगा। पहला टेस्ट 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राजकोट में खेला जाएगा तो वहीं दूसरा टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके बाद बारी वनडे सीरीज की होगी जो 21 अक्टूबर को गुवाहाटी में, 24 अक्टूबर को इंदौर, 27 अक्टूबर को पुणे, 29 अक्टूबर को मुंबई में और 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। टी20 सीरीज के मुकाबला 4, 6 और 11 नवंबर को क्रमशः कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे। कैरेबियाई टीम के इस दौरे के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे पर निकल जाएगी जहां उसे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा लेना है। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें और अगर इस वीडियो को Daily Motion पर देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।